स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों क्लास 12 का एग्जाम ओवर है, क्लास 10 की ऑन गोइंग है एंड आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर मॉडरेशन, राइट? प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स, क्या उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, आइए देखते हैं क्या होगा। जिन बच्चों ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, चाहे आपने आधा सही आधा गलत अटेम्प्ट किया है या पार्टली करेक्ट है, पार्टली उतना रिलेवेंट नहीं है, टीचर वुड डेफिनेटली पास यू एंड गिव यू फुल मार्क्स इन दैट, ठीक है? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, कंपार्टमेंट एग्जाम है। तो अगर पार्टली भी आपका करेक्ट है और पार्टली 19-20 है तो आपको नंबर दे देंगे। आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स में अगर फॉर्मेट का ध्यान रखा है तो आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 नंबर एक्स्ट्रा टीचर आपको जरूर देगा। जिन बच्चों ने लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं और पार्टली अटेम्प्ट किए हैं, मान लो पूरा लिख नहीं पाए, टाइम नहीं रहा, तो अगर आपका वर्ड लिमिट 70% क्रॉस कर गया तो आपको टीचर मार्क्स एलोकेट कर देता है, ठीक है? देन केस बेस्ड स्टडी भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। केस बेस्ड स्टडी में क्या होता है ना, एक तो पैराग्राफ होता है, उसमें ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं और अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो टीचर वहां पर भी आपको अटेम्प्ट के नंबर दे देता है। इसके साथ ही कीवर्ड्स का ध्यान रखना था, जो आपको पहले ही बताया था, बहुत से बच्चों ने पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान रखा और स्टेप वाइज आंसर लिखे। स्टेप वाइज लिखने पे क्या होता है ना, हमें हर स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। तो जिन बच्चों ने इन सब चीजों का ध्यान रखा उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब आमतौर पे बच्चे पूछते हैं, एग्जामिनर्स में समटाइम्स प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, तो यस, एग्जामिनर्स ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कैसे करते हैं, जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, जहां पर टीचर को मान लो कि आपने 5 नंबर में 3 नंबर का सही बनाया, 2 नंबर का पार्टली रेलिवेंट है, टीचर आपको 5 दे देगा ताकि आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाओ, 33% तक। मान लो आपने 24-25% सही बनाया तो टीचर आपको 33% तक पहुंचा देगा। सो इट इज एसेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, दैट इज द रीजन कि आपको जो है सो अटेम्प्ट लेने चाहिए। यू शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड बाय अटेम्प्टिंग, कहने का मतलब ये है दैट यू शुड राइट समथिंग यूजफुल दैट रिलेट्स टू द एक्चुअल आंसर। इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, तो भी अगर आपने पार्टली लिखा है ना, टीचर आपको मार्क्स देगा। और अगर टीचर काइंड हार्टेड है तो बेटा पूरे नंबर दे देता है, क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि ये कंपार्टमेंट जो है इधर फर्स्ट है या थर्ड है या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है, तो तीनों के लिए बड़ा क्रूशियल है। जिन बच्चों का फर्स्ट कंपार्टमेंट है उन बच्चों का 1 साल खराब होगा, वो अगले साल बैठेंगे बोर्ड में, बोर्ड के बच्चों के साथ। जिन बच्चों का थर्ड कंपार्टमेंट है उनके लिए भी दिक्कत है कि भाई 3 बार और लग चुके हैं कंपार्टमेंट, तो अगले साल उनको सारे सब्जेक्ट्स देने हैं। इम्प्रूवमेंट वाले ज्यादातर वही हैं जिनको जेई देना है और 75% पूरे नहीं हुए हैं। कई बच्चों का मेंस क्लियर हो गया बट बोर्ड में 75% नहीं आया, तो ऐसे सारे ही बच्चे स्ट्रेस में हैं। तो टीचर्स और जो बोर्ड है उनको भी पता है कि इन बच्चों को नंबर देने हैं, बट आपके तरफ से अटेम्प्ट होना चाहिए। तो जिन बच्चों की ने अटेम्प्ट ले लिया है बहुत अच्छी बात है, आपको नंबर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने कॉपी खाली छोड़ी है बेटा, उनके लिए ऑप्शन ये है कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, इधर यू गो फॉर एन IOS और यू कैन चेंज द बोर्ड, और CBSE विल ऑल्सो गिव 3 चांसेस, 3 चांसेस कंपार्टमेंट के भी देती है। जिनकी पहली कंपार्टमेंट है उनकी दूसरी कंपार्टमेंट अगले साल बोर्ड में होगी और तीसरी होगी जब उन बच्चों के बोर्ड एग्जाम वालों के कंपार्टमेंट होंगे तो होगी। तो यू हैव 3 अदर ऑप्शंस, आप जिसको भी चूज करना चाहते हो कर सकते हो। हालांकि अगर आपने अटेम्प्ट ले लिया है वेल एंड गुड, मुझे बहुत से बच्चों कमेंट्स आए कि उन्होंने अटेम्प्ट ले लिया है, सही गलत का पता नहीं मैम, अटेम्प्ट ले लिया एंड पार्टली रेलेवेंट है, तो लेट इट बी ऑन द टीचर, ठीक है? मॉडरेशन भी है, थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स बोनस मार्क्स भी है, तो देखते हैं कि टीचर आपको कितने अच्छे से मार्क्स देता है। लेकिन इफ यू हैव लेफ्ट योर पेपर, फिर आपको अगले साल तैयारी करने की जरूरत है। बाकी जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया उनको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे, 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जाते हैं। और जो 4 लेवल ऑफ कॉपी चेकिंग होती है ना, जिसमें आपके जो एग्जामिनर से इवेलुएटर से वो चेक करेंगे, फिर उसको ऐड करके देखो कोऑर्डिनेटर को मिलेगा, इस तरीके से 4 लेवल पे जो जाता है, तो 4 लेवल पे जो टीचर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं और हर जगह 2-4 नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किए उनके नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है? तो इसी बात को कहना चाहूंगी कि टेंशन मत लो, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।